दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ राशन कार्ड अपडेट करवाने की यानी नवीनीकरण करवाने की अंतिम तारीखों में एक बार फिर से दोबारा बदलाव हुआ है। 25 फरवरी की जगह पर अब 15 मार्च तक नवीनीकरण का कार्य किया जाना है। मोबाइल ऐप और ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भी आप अपना नवीनीकरण कर सकते हैं। 25 फरवरी को राशन कार्ड के नवीनीकरण की अंतिम तारीख रखी गई थी जिसे सरकार ने आगे बढ़ा दिया है और अब 15 मार्च तक राशन कार्ड अपडेट करने का काम जारी रहेगा। वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशन कार्डों का नवीनीकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आम लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए राशन कार्ड नवीनीकरण की तारीख आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। हालांकि सभी पात्र हितग्राही अपना आवेदन प्राथमिकता से कर सके इस कड़ी में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री दयाल दास बघेल ने ऑनलाइन नवीनीकरण के आवेदन के लिए तारीख आगामी 15 मार्च तक बढ़ाने के संबंध में गाइडलाइन जारी कर दिए हैं। खाद्य विभाग के संचालक जितेंद्र शुक्ला ने सभी कलेक्टरों को इस संबंध में गाइडलाइन जारी किया है। राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा नया मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ में अभी भी हल्की बारिश का अनुमान जताया जा रहा है, ओले भी गिर सकते हैं। दरअसल खबर एक बार फिर से मौसम के करवट लेने को लेकर है, जहां पर बीते दिन प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा होने के जो यहां पर जो परिणाम है दिखाई दिए, साथ ही आज भी आसार बने हुए हैं। एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात, अंधड़ चलने और ओला गिरने की संभावना मौसम वैज्ञानिक जता रहे हैं। इसकी वजह से न्यूनतम तापमान में गिरावट के होने के आसार भी हैं, जबकि न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने की आशंका है। राजधानी रायपुर की बात करें तो आंशिक मेघमय रहने के कारण अभी तक गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना बनी हुई है, साथ ही अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के करीब बना हुआ है। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस है। वहीं अगर प्रदेश के रविवार की बात करें यानी बीते दिन की, तो कुछ हिस्से दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा हुई है, जिसमें चारामा और नगरी में 1-1 सेंटीमीटर वर्षा जो है दर्ज की गई है। वहीं अगर बात करें तो प्रदेश में सर्वाधिक तापमान 32 डिग्री सेल्सियस जगदलपुर में रिकॉर्ड हुआ है। वहीं अगर वजह प्रदेश में बात करें तो आज भी अनेक स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा होने की संभावना है और इसकी वजह से प्रदेश में न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने और अधिकतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। 29 फरवरी तक बीजेपी 100 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है जारी कर सकती है, क्योंकि जीत का टारगेट लेकर के सीएम साय दिल्ली से वापस लौट चुके हैं और इनका कहना है कि हारी हुई सीटों पर ज़्यादा फोकस रहेगा। रविवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली से लौटे, जहां वे शनिवार को भारतीय जनता पार्टी की एक अहम बैठक में शामिल होने दिल्ली गए थे। बस आते समय मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जो है मीडिया से बातचीत की, जिसमें कहा कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई है। 11 में से 11 सीट बीजेपी जीते, इसके लिए चुनावी अभियान शुरू हो चुका है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के लिए अलग अलग राज्यों के प्रभारी नेताओं के साथ शनिवार को बैठक रखी थी और इस दौरान इन्होंने चुनावी अभियान और जनसंपर्क कार्यक्रमों की समीक्षा की थी। माना जा रहा है कि पार्टी 29 फरवरी को बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। बीजेपी नेतृत्व बैक टू बैक बैठकों में जुटा हुआ है और यही नहीं, पार्टी अगले हफ्ते तक 100 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। जानकारी के मुताबिक इस लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम भी शामिल होंगे। यही नहीं, पार्टी खास रणनीति के तहत उन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है जहां उसे कमजोर माना जाता रहा है। स्वामी आत्मानंद स्कूलों के बढ़ते हुए क्रेज के बाद अब एक नया फैसला छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग के द्वारा लिया जा रहा है, जहां प्राइमरी स्कूलों से ही पहली से ही भाषा के रूप में अंग्रेजी विषय को प्राथमिकता दी जानी है। छत्तीसगढ़ के प्राइमरी स्कूलों में अब पहली कक्षा से ही अंग्रेजी की पढ़ाई कराई जाएगी। यह पढ़ाई उन स्कूलों में शुरू की जाएगी जहाँ पर आत्मानंद स्कूल नहीं है। इसकी शुरुआत ही आत्मानंद स्कूलों के प्रति बढ़ते हुए क्रेज को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बच्चों में अंग्रेजी लिखने और बोलने की कला विकसित हो सके, इसके लिए यह फैसला किया जा रहा है। अगले शिक्षण सत्र से अंग्रेजी एक भाषा के तौर पर पहली शिक्षा से ही, पहली कक्षा से ही प्रारंभ कर दी जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग की योजना है कि हर साल 5,000 स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई प्रारंभ कराई जाए। इस तरह 5 सालों में 25,000 स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई प्रारंभ कराने की तैयारी है। इससे होगा ये कि न तो नए भवन बनाने होंगे और न ही नई भर्ती करने की जरूरत पड़ेगी, वर्तमान सेटअप में ही यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। प्रदेश में
समय तकरीबन 32,000 प्राइमरी स्कूल संचालित हैं। इनमें से तकरीबन 25 लाख बच्चे यहां पढ़ाई करते हैं। बता दें कि पहले प्राइमरी के बच्चों को अंग्रेजी के कुछ शब्द ही बताए जाते थे, लेकिन अब पढ़ाई के साथ इनको यहाँ लिखवाना भी होगा। छत्तीसगढ़ में ढांड टुटेजा और अनवर डेबर के ठिकानों पर छापे की कार्यवाही की जा रही है। 6,000 करोड़ के शराब घोटाले के एसीबी और ईओडब्ल्यू की कार्यवाही में अंजाम दिया जा रहा है। कई डिजिटल दस्तावेज यहां पर जब्त किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने एक बड़ी कार्यवाही की है, जहाँ जाँच एजेंसियों ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए 6,000 करोड़ रुपये के शराब घोटाले के मामले में आबकारी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के रायपुर बिलासपुर स्थित ठिकानों पर छापेमारी की गई। हाल ही में एसीबी ने इस मामले पर एफआईआर दर्ज भी की थी। आबकारी गड़बड़ी में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने भाटिया डिस्टिलरी, वेलकम डिस्टिलरी, साथ ही रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा, पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढान, आईएएस निरंजन दास और कारोबारी अनवर ढेबर के 12 से ज्यादा ठिकानों पर दबिश दी है। छापे की कार्यवाही पर मुख्यमंत्री विश्वदेव साय ने कहा कि ये विभाग का काम है, जाँच की प्रक्रिया चलती रहेगी। वहीं बात करें तो अरुणपति त्रिपाठी, निरंजन दास, सौरभ बक्सी, अनिल टुटेजा, विवेक ढांड, अशोक कुमार सिंह, अनवर ढेबर, अरविंद सिंह, राजेंद्र जायसवाल, मेसर्स विधु गुप्ता, साथ ही अगर बात करें भूपेंद्र पाल सिंह भाटिया जो कि बिलासपुर, नवीन केडिया, साथ ही सिद्धार्थ सिंघानिया के ठिकानों पर ये कार्यवाही की गई है संयुक्त रूप से। रायपुर से रामभक्त अयोध्या के लिए रवाना हुए। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इनको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा कि 5 मार्च से हर हफ्ते स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। रविवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना किया गया। रेलवे की ओर से चलाई जा रही इस ट्रेन में 1,000 से अधिक यात्री सवार हुए, जो छत्तीसगढ़ से रामलला की नगरी अयोध्या जाएंगे। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि 5 मार्च से छत्तीसगढ़ के हर एक स्पेशल ट्रेन चलेगी, जो हर सप्ताह प्रदेश के लोगों को अयोध्या लेकर जाएगी और इस ट्रेन से अयोध्या जाने वालों के लोगों का खर्च छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। रामलला के दर्शन को लेकर गांव से लेकर शहरों में उत्साह का माहौल है। राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन में राम भक्तों को अयोध्या धाम लेकर जा रही आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के कार्यक्रम में विधायक पुरंदर मिश्रा भी मौजूद रहे। संस्कृति मंत्री अग्रवाल ने श्रद्धालुओं से कहा कि प्रभु श्री रामलला के दर्शन करना लोगों के जीवन का एक अविस्मरणीय पल है। वे लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, प्रभु के दर्शन का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं के लिए विशेष ट्रेन का प्रबंध करने के लिए आभार व्यक्त किया। बलरामपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ में प्रश्न पत्रों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जहां 1 मार्च से 10वीं और 12वीं के बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होनी है। इसके लिए अब बात करें तो परीक्षा केंद्रों में ये प्रश्न पत्र पहुंचने लगे हैं। आगामी 1 मार्च से छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के अंतर्गत हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की परीक्षा आयोजित होने वाली है, जिसकी तैयारी अब शिक्षा विभाग ने पूर्ण कर ली है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रश्न पत्रों को रायपुर से विभिन्न जिला मुख्यालयों में भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में आगामी 1 मार्च से छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा होने वाली है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की प्रश्न पत्रों को व्यापक पुख्ता इंतजाम के साथ थाने में रखवा दिए हैं। वही तैयारियों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने हर एक पल जायजा लिया। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि बोर्ड परीक्षा को लेकर सुरक्षा के साथ साथ उड़नदस्ता दलों का भी गठन कर दिया गया है, ताकि एग्जाम में होने वाले नकल पर रोक लगाई जा सके। रायपुर में 57वां चेट्री चंद्र महोत्सव का आयोजन जो है रायपुर में किया गया, जहां 70 पंचायतों की महाबैठक हुई। लगातार 9वें साल शहर में सफाई की जिम्मेदारी को अंजाम दिया जा रहा है। रायपुर में 57वां चेट्री चंद्र महोत्सव को लेकर 70 पंचायतों की महाबैठक संपन्न हुई, जिस दौरान प्रवक्ता दिनेश आठवानी ने संपूर्ण व्यवस्था पर विस्तृत जानकारी दी, जहां उन्होंने कहा कि चैत्र मास के प्रथम दिवस यानी 10 अप्रैल 2024 को चेट्री चंद्र महोत्सव और सिंधियत दिवस 10/4/1967 को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत सिंधी भाषा को संवैधानिक मान्यता मिली थी और इस शुभ और पावन अवसर पर संपन्न होने वाले सिंधी समाज के आराध्य देव भगवान झूलेलाल के अवतरण दिवस पर चेट्री चंद्र महोत्सव मनाने के लिए संपूर्ण रायपुर की सभी 70 पंचायतों के मुखी और प्रतिनिधिगण की उपस्थिति में यहाँ कंवर राम सिंधी धर्मशाला लाखेनगर चौक में महाबंथन की बैठक हुई और इसके लिए आगे की रणनीति पर यहाँ चर्चा की गई।
मेन पार्ट में शिमला और मनाली की तर्ज पर मॉल रोड विकसित होगा। पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इसकी बड़ी घोषणा कर दी है। पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने 3 दिवसीय मेन पार्ट महोत्सव के समापन अवसर पर मेन पार्ट के पर्यटन स्थलों में विभिन्न सुविधाएं विकसित करने के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मेन पार्ट छत्तीसगढ़ का सबसे सुंदर पर्यटन स्थल है। पर्यटन स्थलों के विकास के साथ ही उन्होंने यहाँ शिमला और मनाली की तर्ज पर मॉल रोड बनाए जाने की बात कही। साथ ही मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का मायका है और प्रभु रामलला हमारे भांजा है। ऐसे में प्रभु श्री राम के छत्तीसगढ़ आगमन से जुड़ी सभी स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है। उन्होंने कहा कि सरगुजा के रामगढ़ में भगवान श्री राम का आगमन हुआ और पहली नाट्यशाला भी रामगढ़ में है। पर्यटन स्थल से बढ़ने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है और आने वाले समय में मैनपाट महोत्सव को देखने देश विदेश से लोग आएंगे। और अब खबर मंडी बोर्ड परीक्षा को लेकर है, जहां बीते दिन ये परीक्षा आयोजित की गई छत्तीसगढ़ व्यापमं के द्वारा, जहां 66,000 से अधिक लोग अब्सेंट रहे। फीस नहीं लग रही है तो थोक के भाव में आवेदन भी जा रहा है, लेकिन परीक्षा देने इतने संख्या में नहीं जा रहे हैं। पीएससी व व्यापमं से होने वाली परीक्षाओं की फीस माफी की वजह से प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं के लिए आवेदन तो थोक भाव में जा रहे हैं, लेकिन परीक्षा में आवेदकों की उपस्थिति फॉर्म भरने के अनुपात से काफ़ी कम नजर आती है। रविवार को म की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड में सहायक संचालक सचिव वरिष्ठ कनिष्ठ के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी और इस परीक्षा के लिए 1 लाख से अधिक आवेदन मिले थे, जिसमें 66,000 अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं आए। इस तरह अभ्यर्थियों की उपस्थिति तकरीबन 33% रही। ये पहली बार नहीं है जब फॉर्म भरने के बाद इतनी बड़ी संख्या में छात्र अनुपस्थित रहे। पड़ताल में पता चला कि पिछले सप्ताह व्यापमं से हुई सर्वेयर और अनुरेखक भर्ती परीक्षा में उपस्थिति का आंकड़ा क्रमशः 17% और 12% का था। सर्वेयर के लिए 18,000 फॉर्म मिले थे, जिसमें केवल 3,060 लोगों ने अपनी परीक्षा दी, जबकि 14,940 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। वहीं अनुरेखक के लिए 14,000 फॉर्म मिले थे, जिसमें मात्र 1,680 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। इसी तरह इसी महीने व्यापमं से ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई और इस परीक्षा के लिए आवेदन 26,000 मिले, लेकिन उपस्थिति महज 14,000 लोगों ने दी थी। रायपुर को 4,33,00,000 रुपए की माइक्रोबायोलॉजी लैब जो है प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ रायपुर वासियों को सौंपी। प्रधानमंत्री मोदी रविवार को शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रायपुर के कालीबाड़ी स्थित छत्तीसगढ़ के प्रथम माइक्रोबायोलॉजी खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला का लोकार्पण करे, जहाँ प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे ही तेज गति से कार्य कर विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। रायपुर में अब खाने पीने की चीजों में बैक्टीरिया की जांच हो सकेगी, इसके पहले तक केमिकल्स की जांच की सुविधा थी। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। वहीं उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए संकल्पित। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सामूहिक कन्या विवाह को लेकर के सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा फंड जारी नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लापरवाही और असंवेदनशीलता का आरोप लगाया। उनका कहना है कि सामूहिक कन्या विवाह में लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लोगों की शादी कार्ड बट चुके हैं, चूलमाटी से लेकर मंडप और मेहंदी तक की रस्में हो गई है, लेकिन सरकार की ओर से फंड जारी नहीं करने के कारण विवाह रद्द करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भिलाई में 14 में तकरीबन 14 और 22 फरवरी को 90 से अधिक जोड़ों के विवाह फंड के अभाव में घोषित तिथि से दिन रद्द कर दिए गए। कमोबेश पूरे प्रदेश में यही हालात हैं। सरकार की असंवेदनशीलता के कारण गरीब की कन्याओं और उनके स्वजन को अपमानित होना पड़ रहा है। आवेदन स्वीकृत करने के बाद विवाह रद्द हो जा रहा है। बघेल ने कहा कि राजधानी में हरदिया साहू समाज की ओर से सामूहिक कन्या विवाह आयोजित किया गया था, जिसमें 100 जोड़ों का पंजीयन हुआ, लेकिन सरकार की ओर से आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री निर्धन कन्या विवाह योजना गरीब वर्ग के परिवारों की बेटियों के लिए विवाह के लिए चलाई जाने वाली संवेदनशील योजना है। कांकेर के मुठभेड़ में तकरीबन 3 नक्सली ढेर हो गए। महिला नक्सलियों के भी फायरिंग की आवाज थी, जहां बीजापुर में आईडी ब्लास्ट में सीएफ जवान भी शहीद हुआ है। कांकेर जिले के हुरतराई के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ संपन्न हुई है, जहां रविवार को हुई इस मुठभेड़ में 3 नक्सली मार गिराए गए हैं। तीनों के शव बरामद हो चुके हैं, साथ ही 3 हथियार भी सर्चिंग में पाए गए हैं। बीजापुर में आईडी ब्लास्ट में एक सीएफ जवान भी शहीद हो गया। मुठभेड़ की पुष्टि कांकेर एसपी आई के एलसेला ने की है।
वहीं एसपी ने बताया कि मुठभेड़ कोयलीबेड़ा के दक्षिणी इलाके हुरतराई के जंगल में हुई है, जहां पुलिस और डीआरजी की टीम सर्चिंग अभियान पर निकली थी। इस दौरान महिला नक्सलियों ने भी फायरिंग की थी। सड़क पर हादसे कम होंगे, इसकी वजह से अग्रसेन चौक पर एक नया फ्लाईओवर निर्मित होगा। दो बड़े ब्लैक स्पॉट अब खत्म होंगे, एक दर्जन इलाकों को इसकी वजह से राहत मिल सकती है। ट्रैफिक जाम और हादसों से परेशान शहर के लोगों के लिए एक थोड़ी राहत वाली खबर है, क्योंकि तकरीबन 5 साल बाद दो बड़े ब्लैक स्पॉट्स खत्म हो रहे हैं। मंदिर हसौद और नेशनल हाईवे पर स्थित अग्रसेन धाम पर जो है जाम और हादसे को रोकने के लिए एक नया फ्लाईओवर डेवलप किया जाना है। ट्रैफिक विभाग की ओर से हर सर्वे में सड़क पर एक ब्लैक स्पॉट माना जा रहा है, जहां हादसों की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। वहीं इस सड़क पर रोजाना 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियों का आना जाना रहता है। इन लोगों को ज़्यादा राहत मिलने के साथ ही आसपास के 1.5 दर्जन से ज़्यादा इलाकों के लोगों को भी ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगा। नया फ्लाईओवर बनने के बाद लोग मंदिर हसौद चौक पर यात्री बिना रुके सीधे आरंग जा सकते हैं। इस सड़क पर सबसे ज़्यादा उपयोग राजधानी के लोग ही करते हैं। वीआईपी तिराहा चौक से नवा रायपुर, मंदिर हसौद समेत 1.5 दर्जन इलाके में पहुंचने के लिए इसी सड़क का इस्तेमाल लगातार किया जाए।